सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना ना भुलना। तां तुसीं दोस्तों देख सकते हो डिटेल नोटिस आ चुके ने, तुसीं डाउनलोड करके खुद भी चैक कर सकते हो। तो आओ दोस्तों आपां चैक करदे आं हुण इन्होंने की क्वालिफिकेशन मंगी है, की लास्ट डेट है, किवें अपलाई करना है, आपां तुहानूं सारी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी जी लंबी बन रही है, तो प्लीज़ तुसीं वीडियो की थोड़ी जी स्पीड वधा के वेख लेना। तां विद्यक योग्यता सब तो पहला चैक करते हैं, विस्थापुर जन पछाण, कलर्क दियां असामियां, ठीक है जी। आ देखो कलर्क दियां असामियां 223,074 संभावित असामियां, ये मतलब कि दोस्तों पूरा उन्होंने कन्फर्म नहीं है, संभावना दिती है भी इनियां असामियां हैणगियां, ठीक है जी। आ देखो इन्होंने इत्थे भी संभावित ही लिखा होया है 2374, ठीक है जी। देखो इन्होंने अलग अलग तकनीकी सिक्ख्या विभाग में डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहब अलग अलग पोस्टों के हिसाब से दसिया सारा कुछ, तो कैटेगरी वाइज अपॉइंट की हुई है। तो हुण आपां चैक करते हैं विद्यक योग्यता, ठीक है जी। आपां विद्यक योग्यता ही चैक करना है, एज पर द पंजाब सिविल सर्विस रूल्स इन्होंने की क्या, शुड हैव बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइजिंग यूनिवर्सिटी, उनके को बी ए या कोई ये नाल रिकोगनाइजिंग यूनिवर्सिटी होनी हो, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ये इक्वल, ठीक है जी। पोजैस एटलीस्ट 120 हावर्स कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइजिंग इंस्टीट्यूशन आर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ ISO 9001 सर्टिफाइड। मतलब कि दोस्तों उन्होंने कहा जो 1000 घंटे का अपने कोर्स होंगे इतने अपने जेडे PMKVY वाले आए थे ना दोस्तों, जो पिछे जाए PMKVY वाले इन्होंने कोर्स उदों बहुत ज़्यादा करवाए थे, बच्चों तो फ्री भी करवाते रहने, किसी तो फीस भी लेंदे रहने, ठीक है जी। तो जिन्हों को सर्टिफिकेट है IT वाले वो इतने अटैच जरूर करने ने, ठीक है जी। उन्होंने और की लिखा, पोजेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स इक्वलेंट टू ओ लैवल सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स अकॉर्डिंग ऑफ कंप्यूटर कोर्स। तो दोस्तों जेकर किसी ने BCA की उन्होंने इन चीज़ों की लड़ नहीं पैनी, ठीक है जी। ओ लैवल सर्टिफिकेट उन्होंने को डिग्री का सर्टिफिकेट ही होएगा, ठीक है जी। क्वालीफाइंग इन टैसट पंजाबी एंड इंग्लिश टाइपिंग टू बी हैड बाय बोर्ड और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज द केस मे बी एट स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट्स बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। क्वालिफाइज अ कंपिटिटिव टेस्ट टू बी हैल्ड बाय रिक्रूटिंग अथॉरिटी पंजाब सिविल सेवावान रूल्स। ये तो दोस्तों अपने दसवीं पद्धर की पास की हो, ठीक है जी। ये तो बस आ गया थोड़ा जहा, तो आ रहा दोस्तों अपना फीस संबंधी वेरवा। जनरल की बहुत ज़्यादा रखती, वैसे घट होनी चाहिए सी, 1000 तो बहुत ज़्यादा है, 500 होंगी तो सही सी। SC की 250 रुपया है, सबका फौजी 200 रुपए, दिव्यंग जन 500। नोट, उम्मीदवार द्वारा एक बार अदा की फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। चोण विधि तो की है, प्रकाशित किए कलर्क जनरल और कलर्क लेखा के सामने सफलतापूर्वक विनय करने वाले की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखती टेस्ट लिया जाएगा। 40% नंबर जेडे पासिंग मार्क्स हो गए, घट्टो घट 40% पास मने जाएंगे, ठीक है जी। फिर उस तो बाद काउंसलिंग के लिए बनाए जाएंगे, तो उस तो बाद 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड नाल टाइपिंग टैसट लिया जाएगा, ठीक है जी। अंग्रेजी और पंजाबी टैस कंप्यूटर पर लिया जाएगा, पंजाबी का टाइपिंग टैसट यूनिकोड कॉम्प्लीमेंट फोंट रवि विच लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये जेडे दोस्तों जिन्होंने टाइपिंग की होने बारे पता होएगा, क्योंकि मैं टाइपिंग नहीं की हुई, मैं सो ये बारे नहीं पता। अंग्रेजी और पंजाबी टाइपिंग टैसट केवल क्वालीफाई नेचर का होगा, यही टाइपिंग टेस्ट क्वालीफाई करना लाजमी होगा दोस्तों, उन्होंने लिखा लाजमी, ठीक है जी। कॉमन मैरिट लिस्ट टेस्ट पास उम्मीदवार की लिखती प्रीख्या में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, ठीक है जी। काउंसलिंग लिए बुलाया जाएगा लिखती प्रीख्या, जेकर मैरिट की प्राप्तता संबंधी कोई मामला सामने आता तो एज जिन्हों की हाई होगी उन्होंने वध मनिया जाएगा। यह तो सब दोस्तों सिंपल ही है, सेम ही है सब का, पिछले भी नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है जेकर आपने पेपर एक तो वध शिफ्टां विच होणगे, ठीक है जी। उद्यो तो दोस्तों बाद आपां चैक करने वाले ने चीज़ा, अपलाई करने की विधि, अपलाई करने की विधि की आप ऑनलाइन जाना है, उत्थे इहदा फॉर्म चैक करना है लिंक, तो फिर उत्थे अपनियां सारियां हिदायत पढ़ के उन्होंने फिल कर देना है, ठीक है जी। वह भी वीडियो जल्दी इहदे नाल ही आपां अपलोड कर देंगे,
ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 21 ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰਕ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ 212 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 212 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, BTech ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ BSc ਬੈਚਲਰ ਔਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੈਚਲਰ ਔਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਆ ਟੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਇਹ 203 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, 203 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BCOM ਮੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, BCOM ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨੋਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ।